हेलो एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए जो रीडिंग लेकर आई हूँ, इस रीडिंग का टॉपिक है आप दोनों के दिल और दिमाग में क्या चल रहा है इस वक्त। करंट एनर्जी देखेंगे हम, तो यहाँ पर होगी आपकी एनर्जी और यहाँ पर होगी आपके पार्टनर्स की एनर्जी। इस डेक से हम देखेंगे दिल की एनर्जी, इस डेक से हम देखेंगे दिमाग की एनर्जी। रीडिंग शुरू करने के पहले मैं एक चीज़ कहूँगी, आप में से एक जन का कमेंट मुझे आया था कमेंट सेक्शन में, तो मैंने देखा उन्होंने मुझे लिखा था कि मैम आप गिरे हुए कार्ड्स क्यों उठाती हैं। तो मैं बता दूं कि आई एम अ डिवाइनली गाइडेड टैरो रीडर, ठीक है। थोड़ा सा डिफरेंस होता है डिवाइनली गाइडेड टैरो रीडर में और कोर्स कर या सर्टिफिकेशन करके टैरो रीडर बनने में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। मैं डिवाइन की मर्ज़ी से इस फील्ड में आई हूँ, ठीक है। तो डिवाइन मुझे जो एनर्जी देती है, जब एनर्जी देती है मैं उसी को रीड करती हूँ, ठीक है। तो ये उसका आंसर हो गया कि मैं गिरे हुए कार्ड्स क्यों उठाती हूँ। जो कार्ड्स मुझे मिलते हैं एंजल्स की ब्लेसिंग समझ के, मैं उसी कार्ड को रीड करती हूँ और आप लोगों से रेजोनेट भी होती है, ठीक है। सेकंड, एक जन का मुझे कमेंट आया था, उन्होंने लिखा था कि मैम आप पहले पूरे कार्ड्स निकाल लिया कीजिए और फिर एक्सप्लेन किया कीजिए, क्योंकि हम वीडियो स्किप कर देते हैं। तो उनको मैं ये जवाब दूंगी, उनका नाम मुझे याद नहीं है, उनको मैं ये जवाब दूंगी कि मैं पूरे कार्ड निकाल कर करूं या मैं बीच बीच में करूं, वो मेरा स्टाइल है। अगर मुझे किसी कार्ड पे कोई मैसेज आ रहा है, कुछ एनर्जी आ रही है, तो मैं उसे तुरंत बोल देती हूं, क्योंकि मैं इंसान हूं, ठीक है। अगर मैंने 10 कार्ड निकाले और उस 10 कार्ड से मुझे 20 एनर्जी आ रही है, तो मैं पूरी एनर्जी अपने माइंड में स्टोर करके बैठी रहूं और इकट्ठे बोलूं ताकि आप स्किप ना करें। तो ऐसा नहीं होगा, मुझे जब जब जिस जिस कार्ड पे जो जो मैसेजेस आएंगे मैं बोलती जाऊंगी, स्किप करना ना करना आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। तो ये दोनों सवालों के जवाब मैंने दे दिए हैं, ठीक है। तो ये दो चीज़ थी। और हाँ, एक चीज़ और कि मॉर्निंग वीडियो में बहुत सारे लोगों के कमेंट के नीचे एक अननोन नंबर से मेरी फ़ोटो लगाकर प्लस वन करके पता नहीं कि कौन सा नंबर दिया जा रहा था। तो जब मैं फ्री हुई तब मैं देखी हूँ, तो मेरे वीडियो के स्टार्टिंग में मैं डिस्क्लेमर लगाती हूँ। हो सकता है आप में से कई लोग वो डिस्क्लेमर स्किप कर देते हों, तो आप लोग अपना ध्यान स्वयं रखें। अगर आपके कमेंट के नीचे कभी भी कोई नंबर आता है तो वो मेरा नंबर नहीं है। मेरा नंबर सिर्फ और सिर्फ मेरे वीडियो में आएगा, जब भी आएगा मेरे वीडियो में आएगा या मेरे डिस्क्रिप्शन में आएगा, ठीक है। कमेंट के नीचे जाकर व्हाट्सअप करो ये मेरा काम नहीं है, तो आप लोग सतर्क रहें। मैं बार बार बोलती हूँ, इवन मैंने अपने हर वीडियो के आगे डिस्क्लेमर भी लगा दिया है। तो अगर डिस्क्लेमर देखने के बाद भी कोई उसको फ्रॉड को मैसेज करता है या उससे बातचीत करता है ये समझ के कि वो मैं हूँ, तो वो आपका कंसर्न है, ठीक है। सो अब शुरू करते हैं रीडिंग। मुझे दो तीन चीज़ बोलनी थी जो मैंने बोल दी है, ठीक है, क्योंकि मैं अपने दिल में और गले में बंद करके कुछ रख नहीं पाती हूँ। अब जो भी है सब बोल के खाली हो जाती हूँ, क्योंकि जब इंसान का चक्र हील हो जाता है ना, तो वो सप्रेस्ड इमोशंस नहीं रख सकता। वो जो भी है, अच्छा बुरा, उसके लिए अगर कुछ बोला गया है अच्छा बुरा, तो वो सब शेयर करके खाली अपने आप को फ्री रखना चाहिए। सो मेरी जो स्टाइल है वो डिफरेंट है, तो मुझे कंपेयर ना करें, ठीक है। सबकी अपनी स्टाइल होती है, कुछ लोग कार्ड अपने से निकाल के करते हैं, कुछ लोग जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं, बट किसी को आप ये नहीं बोल सकते कि आप ऐसे क्यों करती हैं या आप वैसे क्यों करती हैं, ठीक है। प्लीज़ गाइड कर एंजल्स, क्या चल रहा है मेरे व्यूवर्स और उनके पार्टनर्स के दिल में, क्या चल रहा है इस वक्त दिल की एनर्जी, दिल में क्या है, आप दोनों के दिल में क्या है। विल कट द डेक इन टू पार्ट्स, ठीक। वन म्यूचुअल कार्ड फ्रॉम योर साइड, वन म्यूचुअल कार्ड फ्रॉम योर पार्टनर साइड। विल टेक थ्री कार्ड्स। बॉटम में है वुमेन होल्डिंग अ कॉइन। बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल हो सकता है आप में से कई लोगों का, बहुत ज़्यादा अबंडेंस, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव करने की एनर्जी है। आपके माइंड में कुछ चीज़ें आ सकती हैं कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। आपके पर्सन के बॉटम से है यिन एंड यांग, बैलेंस की एनर्जी है। उनका डिवाइन फैमिनिन एनर्जी, मैस्कुलिन एनर्जी, इनर डिवाइन फैमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जी बैलेंस हो रहा है, ये चीज़ें आ रही हैं। तो ये दिल की एनर्जी है। अब हम दिमाग से लेंगे कुछ कार्ड्स। दिमाग में क्या चल रहा है एंजल्स, आप दोनों के।
वन म्यूचुअल कार्ड मेरे व्यूवर्स की तरफ से, वन म्यूचुअल कार्ड आपके पर्सन की तरफ से, ठीक है। सो म्यूचुअल कार्ड्स को हम यहाँ रखेंगे हमारे देवदत्त के पास। ठीक है, दिमाग से विल टेक अगेन थ्री कार्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक है किंग ऑफ सोर्ड्स, वन टू थ्री, द सन। एक्शन ओरिएंटेड है आपके पर्सन, कलेक्टिवली एक्शन की एनर्जी है। सो दिमाग की एनर्जी हम बाद में रीड करेंगे, पहले हम देखेंगे आप दोनों के दिल में क्या चल रहा है। सिक्स्थ चक्रा, थर्ड आई चक्रा की एनर्जी है, गॉडेस ऑफ द मून एंड केयरिंग कनेक्शन। यहाँ पर आपके दिल में ये क्लियर है कि आप अपने पर्सन को लेकर बहुत डेडिकेटेड हैं, बहुत लॉयल हैं, लविंग एंड कनेक्शन है, केयरिंग कनेक्शन है, सोलमेट कनेक्शन है। आप में से कई लोगों का डिवाइन कनेक्शन हो सकता है। अगर आप कार्मिक के साथ भी हैं तो आप उनको बहुत अप्रिशिएट करते हैं, चाहे वो जैसे भी हों, आप उनसे बहुत प्यार करते हो, उनको लेकर आपके दिल में बहुत इमोशंस है, लव है, केयर है। यहाँ पर सिक्स चक्रा की एनर्जी है, आपके विजन्स में 24/7 आपके पर्सन है, आपके दिल दिमाग में सिर्फ और सिर्फ आपके पर्सन की एनर्जी है। सो आपके दिल में आपके पर्सन है, आपके दिमाग में भी आपके पर्सन है। आप आंखें बंद करें, आंखें खुली रखें, कोई भी काम करते रहें, लेकिन आपके दिल में 24/7 आपके पर्सन की एनर्जी घूमती रहती है। इमोशंस बहुत हाई हो सकते हैं, हो सकता है फुल मून का इफ़ेक्ट हो, तो यहाँ पे फुल मून या फुल मून के बाद आप दिल से बहुत ज़्यादा इमोशनल हो सकते हैं, रोना आ सकता है, पर्जिंग हो सकती है, इवन आपको विविड ड्रीम्स आ सकते हैं, आपके पर्सन के भी ड्रीम्स आपको आ सकते हैं। आपके दिमाग में क्या है, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ सोर्ड्स एंड टेन ऑफ वॉन्ड्स। समथिंग इज़ गोइंग टू कम्प्लीट, आप प्लानिंग कर रहे हो कि कुछ चीज़ें कम्प्लीट हो जाएं। अगर क्लैरिटी नहीं मिल रही है तो आप ये चाहते हो, अपने दिमाग में आपके ये चलता है कि क्या वो मेरे लिए स्टैंड लेंगे, क्या वो इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के अगेंस्ट जाकर मुझे अपनाएंगे या मुझे धोखा दे देंगे। तो ये सब चीज़ें आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा चल रही हैं कि वो आपके लिए स्टैंड लेंगे या नहीं, आपको धोखा तो नहीं दे रहे हैं, आपके लिए प्लान कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आपके लिए कोई एक्शन लेने की सोच रहे हैं या नहीं सोच रहे हैं। अगर नो कॉन्टैक्ट में है तो रीयूनियन करेंगे या नहीं करेंगे, वापस आएंगे या नहीं आएंगे, ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में चल रही हैं। लेट्स चेक कि आपके पर्सन के दिल दिमाग में क्या है। आपके पर्सन के दिल में है एनवी, थ्रोट चक्रा एंड डोर टू स्पिरिट। आपके पर्सन किसी तरह के थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं या इनके लाइफ में कुछ नेगेटिविटीज़ हैं, कुछ डेविलिश एनर्जीज़ हैं, जिसकी वजह से आप दोनों के बातचीत में प्रॉब्लम हो रही है, नो कॉन्टैक्ट हो सकता है, सेपरेशन हो सकता है। यहाँ पर थर्ड पार्टी की वजह से आपके पर्सन आपसे बात नहीं करते हैं या आपको डिस्टेंस बनाते हैं या इग्नोर करते हैं, ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। किसी की बुरी नज़र है जैसे आपके पर्सन के ऊपर, उनकी लाइफ में भी कुछ अंधेरी चीज़, कुछ नेगेटिव चीज़ें हैं, जैसे किसी तरह का ऑब्स्टिकल होना, किसी तरह की नेगेटिव डायरेक्शन में जाना, बैड हैबिट्स होना, बैड एसोसिएट्स होना, कार्मिक सिचुएशंस होना। लेकिन यहाँ पर स्पिरिट गाइड्स जो हैं वो इनके लाइफ में अबंडेंस लेकर आ रहे हैं। यहाँ पर देखिए एनर्जी बहुत पॉजिटिव है, तो अगर इनके लाइफ में कोई नेगेटिव एनर्जी है तो यहाँ पर इनको पॉजिटिव एनर्जी की तरफ से लगातार गाइडेंस मिल रही है ताकि ये उस सिचुएशन से बाहर निकल जाएं। इनके दिल में आपसे बात करने की एनर्जी है, ये आपको एक बहुत प्योर सोल मानते हैं या मानती हैं, आपके बारे में डिवाइन की तरफ से इनको गाइडेंस दी जा रही है, दिल से ये आपके बारे में बहुत अच्छा सोचते हैं और आप पे नज़र भी रखते हैं। आपको नहीं पता बट ये आपको स्पाई करते हैं, नज़र रखते हैं, आपके बारे में इनको ए टू जेड जानकारी होती है। इनके दिमाग में क्या है, सिक्स ऑफ कप्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स एंड डेविल एनर्जी। देखिए मैंने अभी कहा ना, इनके दिमाग में आपको लेकर मिसिंग एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, लविंग एनर्जी आपके साथ, जो भी इनकी पास्ट रही है या जो भी मेमोरीज़ रही हैं उसको ये बहुत ज़्यादा सोचते हैं, आपको अप्रिशिएट करते हैं, आपकी खूबसूरती को, आपके नेचर को, आपका जो केयरिंग एटीट्यूड है उसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। तो इनके दिमाग में 24/7 आप हो। यहाँ पर डेविल एनर्जी है, ये आपसे ट्रू लव करते हैं, बहुत ज़्यादा अनकंडीशनल लव करते हैं, लेकिन किसी नेगेटिव एनर्जी, किसी एनवी की नज़र आप दोनों के रिलेशनशिप पर है, लेकिन
आपको टेंशन नहीं लेना है, जो भी स्पिरिट गाइड्स हैं, जो भी पॉजिटिव एनर्जी है वो आपके पर्सन के साथ है और वो इस नेगेटिविटी से इनको बाहर निकाल लेगी। तो ये चीज़ें इनके दिल और दिमाग में इस वक्त चल रही हैं। अब हम देखेंगे म्यूचुअल कार्ड्स क्या निकल कर आए हैं। सो दिमाग से है हमारे पास टेम्परेंस एंड प्रिंस ऑफ कप्स। आप चाहते हो कि वो आपकी तरफ वापस आ जाए, आप यही मैनिफेस्ट कर रहे हो, और आपके पर्सन भी चाहते हैं कि सिचुएशन बैलेंस हो जाए, ठीक है, सॉर्ट आउट कर ले चीज़ें, मीठी हो जाएं चीज़ें। अगर कुछ चीज़ें कड़वी हो गई हैं आप दोनों के बीच में तो ये मिठास लाना चाहते हैं। यहाँ से हमारे पास है स्ट्रेटजी और यहाँ से है कॉर्नोकोपिया 1121। यहाँ पर डेफिनेटली बहुत सारे लोगों को मिरर नंबर्स दिख सकते हैं, बहुत सारे लोगों को इस तरह के नंबर्स दिख सकते हैं 1121, 1122, 1133, 1144, 1155, ये नंबर्स आपको दिख सकते हैं। यहाँ पर आपके पर्सन आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, आपके साथ एक फ्रूटफुल रिजल्ट मैनिफेस्ट कर रहे हैं और आप भी चाहते हैं कि वो आपके लिए स्ट्रेटजी बनाएं और आपकी तरफ एक्शन लें। तो यहाँ पर एक दूसरे के लिए बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है, होप कि बहुत जल्द आप लोगों के बीच में कन्वर्सेशन हो और आप दोनों का अगर रीयूनियन है तो कमिटमेंट मिल जाए, और अगर सेपरेशन है तो बहुत जल्द आपको कॉल मैसेज रिसीव हो, क्योंकि आपके पर्सन भी बैलेंस करना चाहते हैं सिचुएशंस को। तो ये थी आज की रीडिंग, होप आपको गाइडेंस मिली हो। थैंक यू सो मच गाइज, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय।